देखो और सीखो के वीडियो को लाइक करके चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग सम वर्ड्स अबाउट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा। दिस फेस्टिवल फॉल्स ऑन आश्विन दशमी। दिस इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी। एज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावण। On this day, people burn effigies of Ravana, Meghnath and Kumbhakarna. This festival symbolizes the victory of the good over the evil. तो बच्चों, इस तरह से आज हमने दशहरा के बारे में कुछ लाइन इंग्लिश में पढ़ी। मैं इसको ट्रांसलेट आपको हिंदी में भी कर देती हूँ। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार होता है। यह आश्विन मास की दशमी को मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन राम ने रावण को मारा था और साथ ही उनके पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण को भी मारा था। तो इस तरह से हम उनकी बुराई का अंत और अच्छाई की जीत के बारे में यह त्यौहार मनाते हैं। इसमें यह भी है कि इस दिन आप लोग देखते हैं ना कि बड़ी बड़े फील्ड में, जगहों में, बड़ी बड़ी जगहों पे, दिल्ली में और भी हर शहर में क्या करते हैं कि रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला जलाते हैं ताकि इस तरह से दिखे कि हमें बुराई का अंत हो गया और अच्छाई जीत गई, यानी कि सत्य की विजय और असत्य की हार का प्रतीक है ये विजयादशमी का त्यौहार। इसे लोग अधर्म की हार और धर्म की जीत का भी प्रतीक मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों से बात खत्म करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्राइस रेट कोई बात पूछनी हो तो हमें बताइएगा जरूर। अपना बहुत ख्याल रखिए आप सब। चलिए, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।